पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे प्रथम चरण का चुनाव में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। खेत खलियान पगडंडी से होकर लंबी दूरी तय कर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों का उत्साह भी देखने योग्य है। बुजुर्ग लाठी टेक कर दूसरों का सहारा लेकर मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। प्रथम चरण में गुमला जिले के रायडी भरनोवा सिसई प्रखंड में चुनाव हो रहा है, जिसमें जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति व वार्ड सदस्य के लिए मतदाता वोट दे रहे हैं। अभी गुमला जिला में फर्स्ट फेज का इलेक्शन पूरी तरह हम लोग तैयार हो गए हैं। सभी जगह हमने जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे CRPF है, JJ की कंपनी डिप्लॉय किया गया है और अभी फर्स्ट फेज में 3 ब्लॉक 6 थाने में होना है। तो हमारा पूरी सुरक्षा तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग अवलोकन करके प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोग ड्रोन और CCTV से निगरानी रख रहे हैं और जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग एरिया डोमिनेशन और उसके माध्यम से लगातार सुरक्षा का भरपूर हम लोग वहाँ पर देख ध्यान रखे हुए हैं। आशा करते हैं कि फर्स्ट फेज और बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ फेज भी हमारा बढ़िया से बीतेगा। हमें पुलिस अधीक्षक गुमला का जिलावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप लोग हमारा भी सहयोग करेंगे और हम लोग आप लोग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। पहली बार गांव की सरकार को चुनने का मौका लगा है, हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि आज हम पहली बार वोट दे रहे हैं और अपना अधिकार के लिए हम अच्छा नेता का चुनाव करना चाह रहे हैं। अपनी पसंद और अपने गांव का, अपना पंचायत का विकास के लिए हम सरकार चुनने जा रहे हैं। 58 में 7 सुबह 7 बजे से लेके प्रातः 10 बजे तक कुल 134 वोट पड़ा है। कितनी संख्या है यहाँ? कुल संख्या 432। अभी तक इस मतदान केंद्र में मतदान के प्रति यहाँ के लोगों में बहुत बढ़िया रुझान देखा जा रहा है। लोग भारी संख्या में अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।